लाहौर बोर्ड का जमात नहुम का इंतहाई गंदा नतीजा, कई कई सप्लियां आ गईं, इम्तिहान में 57% बच्चे फेल हो गए। बोर्ड के तहत 2,46,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया, 1,47,000 बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 1,12,646 बच्चे पास हुए। कामयाबी का तनासुब 43.27 रहा। साइंस मजामीन के 2,706, आर्ट्स के 59,619 उम्मीदवार थे। डेंगू के हमले तेज, मजीद 47 केसेस सामने आए। सदर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर इरफान इकबाल शेख भी डेंगू का शिकार, तमाम सरगर्मियां मौतल, हालत खतरे से बाहर है। शेख इरफान का कहना है कि 3 रोज के बाद दोबारा डेंगू टेस्ट होगा। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 6 रोजा मुहिम का आगाज, मुहिम 24 सितम्बर तक जारी रहेगी। सीओ एजुकेशन की स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। रेवेन्यू अफसरान की भर्तियां, खसरा गरदावरी की डिजिटलाइजेशन के मंसूबे को बड़ा धचका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर की आंखों में धूल झोंक दी गई। डिजिटल खसरा गरदावरी की 60 लाख फेक एंट्रीज का इंकशाफ, हराजी का मालिक कोई और, दस्तावेजात में काबिजी किसी और को बना दिया गया। डिजिटल गरदावरी और खसरा का प्रोजेक्ट ठेकेदारों की नजर हो गया। साबिक सीनियर मेंबर बाबर हयात तारर ने फेक एंट्रीज पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर अवाम को इश्तेआल दिलाने का इल्जाम, वफाकी वजीर जावेद लतीफ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब और MDPTV भी नामजद, मुकदमा जामे मस्जिद आयशा सिद्दीका बागड़िया के इमामो खतीब इरशादुर रहमान की मुदय्यत में दर्ज किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, FIA के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 19 मजीद बैंक अकाउंट सामने आए हैं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट्स में तो मामूली रकम है, अटैच करने का क्या फायदा, अकाउंट्स में तो पैसे ही नहीं है। कौमी बैंक के वकील ने कहा कि बैंक अकाउंट्स ढूंढ कर रिपोर्ट पेश कर दी है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर, समाअत 1:30 बजे तक मौखर। पंजाब असेंबली हंगामा राय केस में अताउल्लाह तारर की जमानत कंफर्म, 10 लीगी MPAs की अबूरी जमानतों में 1 रोज की तौसी। SHO कला गुजर सिंह के पेश ना होने पर CCPO कल तलब, तमाम MPAs की बयानात लिखकर तफ्तीशी को भिजवा दिए गए। राणा मशहूद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि लाडले ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान के हवाले इक्तदार के हवस में अंधे हो चुके हैं। ताजिरों के बिलों में सेल्स टैक्स के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त, जस्टिस राहिल कामरान शेख की केस दूसरी अदालत भिजवाने की सिफारिश। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने इस्तफसार किया कि चॉइस दें किस अदालत में केस सुनवाना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार बोले कि साबिका रिमार्क्स की वजह से केस यहाँ नहीं सुनवाना चाहता। वज़ीर आला परवेज इलाही के मशीरान की तायुनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल जमान खान ने इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त किस तरह काबिले समाअत है, इसी तरह जुबानी कलामी आ गए हैं, कानून नहीं तो फिर क्या हुआ, आप मुतल्लिका फोरम पर जाएं। पुलिस हिरासत से शहरी की बाजियाबी केस की समाअत, DIG साहब आपने क्या किया, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का मुकालमा। DIG इन्वेस्टिगेशन बोले कि इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर दी। CIA कोतवाली के तफ्तीशी अफसर इमरान को मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट दरख्वास्त गुजार वकील को फराहम करने की हिदायत। परिकैन के वकला को कल बहस के लिए तलब कर लिया, मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात का शेड्यूल जारी, बार के सालाना इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। वोटर्स के जिम्मे वाजिबात जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 सितंबर मुकर्रर, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
आईजी को तोहीन अदालत के शोकाज नोटिस का तहरीरी हुक्म जारी। हाईकोर्ट ने फैसल चाकार को 4 अक्टूबर को जवाब समेत तलब कर दिया। आईजी शोकाज नोटिस के जवाब समेत पेश होकर वजाहत दें। हवलदार को एएसआई के ओहदे पर तरक्की ना देने के केस में भी आईजी फैसल चाकार को तोहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस। फैसल चाकार के खिलाफ तोहीन अदालत की दरखास्तों की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला का अमराज दिल के इलाज के लिए अहसन इकदाम। हस्पतालों में कार्डियोलॉजी का शोबा कायम करने का फैसला। कार्डियोलॉजी शोबे में ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की जाएगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास। PIC में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। महकमा बल्दियात को 1 अरब 14 करोड़ के फंड जारी। पंजाब की 16 तहसीलों में सिविक वर्क शुरू करने के लिए फंड जारी हुए। महकमा हिदायत म्यूनसिपल सर्विस अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। प्रोजेक्ट में नालियां, सिवरेज सिस्टम, सिवलिंग, गलियां और छोटी सड़कें शामिल हैं। प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के तआवुन से शुरू किया गया। कमिश्नर आमिर जान की जेरे सदारत इजलास। तमाम पार्क्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 12 दिनों की डेडलाइन दी गई। म्यूनसिपल हदूद में 100% मैन होल्स कॉर्नर्स पर सर्टिफिकेट तलब किया गया। कमिश्नर ने कहा कि हर स्कूल कॉलेज की तालीमी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। सिविल एजुकेशन ननकाना को भी शोकॉज नोटिस जारी। टाउनशिप यूटिलिटी स्टोर के बाहर खरीदारों का रश। आटा और अशियाई खुरनोश न मिलने पर खरीदारों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि रोजाना घंटों कतार में लगना पड़ता है। बारी आने पर आटा नहीं मिलता। फजर के वक्त से खड़े हैं, मायूस लौटना पड़ता है। खरीदारों की दुहाई। शहर में आटे की शदीद किल्लत। लीगी MP राबिया फारूकी ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया कि 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1,600 रुपए तक पहुँच गई। हुकूमत इंतजामी अमूर में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। आए सब मिलकर सैलाब जदगान की मदद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से राशन से भरा इमदादी ट्रक रवाना। इमदादी सामान में अशियाए खुरनोश, पानी की बोतलें, दूध और दीगर सामान भी शामिल है। खिदमत के मिशन में आप भी आगे बढ़िए। सिटी 42 का साथ दीजिए। गवर्नर से यूरोपी यूनियन कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब के वफ की मुलाकात। सदर मुबीन रफीक, सेनेटर कामरान माइकल की सरबराही में वफ ने ये मुलाकात की। सेनेटर कामरान माइकल ने GST+ के हवाले से आगाह किया। वफ में सनतकार सफदर शबीर, जफर अब्बास, मियां एजाज और दीगर शामिल थे। और फजाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 172 रिकॉर्ड की गई। सूरज की तेज किरणों से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।